हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम जानेंगे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको निकालने के तीन चार तरीके हैं, हम सारे तरीकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका क्या है, जब भिन्नों का हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, जब हमारे भिन्नों का हर समान होगा, ठीक है, जब हमारे भिन्नों का हर समान होगा तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न से समझते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है, 4/26, 18/26, 2/26, 10/26, 15/26। ठीक है, इसमें से क्या करना है, हमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबका हर क्या है, समान है ना, सबका हर क्या है, समान है। तो जब हमारा हर समान होता है तो क्या करते हैं, कौन सी सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। ठीक है, देखिए 4, 18, 2, 10, 15, सबसे बड़ा अंश किसका है, 18 है ना सबसे बड़ा, तो यही भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, जब हमारा हर समान होता है तो अंश देखते हैं हम लोग, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। इसी तरह से जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा। यहाँ सबसे छोटा किसका है, 2 छोटा है। ठीक है, ये छोटा है ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है गाइस, जब हमारा हर समान होता है तो हम अंशों को देखते हैं, अंशों में जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो अंश सबसे छोटा होता है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होती है। ठीक है गाइस, अब क्या है हमारा, जब भिन्नों का अंश समान होगा, जब भिन्नों का अंश समान होगा तो क्या करेंगे, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी, तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जब हमारा अंश समान होगा तो क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, जिसका हर बड़ा होगा उसको वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे हम क्वेश्चन है हमारा 26/4, 26/18, 26/2, 26/10, 26/15। यहाँ पे देखिए अंश हमारा क्या है, समान है ना, जब अंश समान होगा तो हम लोग छोटा बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे, क्या दिया था, वह जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। इन सभी भिन्नों में से किसका हर सबसे बड़ा है, 18 ना, किसका भिन्न सबसे बड़ा है, किसका हर सबसे बड़ा है, 18 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, जिसका हर हमारा सबसे बड़ा होगा वो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। और जिसका, अब देखिए छोटा कैसे निकालेंगे, बड़ा कैसे निकालेंगे, अंश तो सबका समान है, तो क्या होगा, जो सबसे छोटा हर होगा वही हमारा सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, समझ गए आप लोग कैसे निकालना है, जब हमारा सब अंश समान होगा तो हम हरों को देखेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे छोटा हर होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो हर हमारा सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है गाइस, अब क्या है, जब अंश तथा हर दोनों असमान हो, क्या है, जब अंश तथा हर दोनों असमान हो
तो अंश वही रहने दीजिए तथा हर में हर माइनस अंश का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा प्रश्न आसान बन जाएगा। फिर भाग करके एक डिजिट का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसी का भिन्न भी सबसे बड़ा होगा तथा जिसको भाग करने पर सबसे छोटा नंबर आएगा वह हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 13/17, 16/19, 11/18, 23/26, इसको कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ऊपर तो हमारा अंश ही रहेगा, नीचे क्या कर देंगे हम लोग? हर माइनस अंश, ठीक है। क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालना है? देखिए जैसे हमारा है 13/17, तो ऊपर अंश ही रहने दीजिए, ठीक है, सबका ऊपर अंश सेम रहेगा, नीचे बदलाव आएगा। नीचे क्या करेंगे? हर माइनस अंश करेंगे, मतलब 17-13, यहाँ पे क्या करेंगे? 19-16, यहाँ पे 18-11, यहाँ पे 26-23, ठीक है। क्या आएगा हमारा? 13/4, यहाँ क्या आएगा? 16/3, यहाँ क्या आएगा? 11/7, यहाँ क्या आएगा? 23/3। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम भाग करेंगे और वन डिजिट तक का वैल्यू लेंगे। जैसे कितने से जाएगा? 3 बार में 12 आया 1, हमें सिर्फ एक डिजिट तक की लेनी है। एक डिजिट तक कितना आया? 3। ऐसे यहाँ भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे तो 7। अब देखेंगे हम लोग क्या था, जो सबसे बड़ा है हमारा उसी का भिन्न भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 7, और 7 किसकी वैल्यू है? 23/26 का। तो ये हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है। इसी तरह से सबसे छोटा ढूंढ लेंगे, सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 1। 1 किसका वैल्यू है हमारा? 11/18 का, है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को कैसे सबसे बड़ा निकालना है, कैसे सबसे छोटा भिन्न निकालना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या है? जिसमें उचित भिन्न भी हो और अनुचित भिन्न भी हो। अनुचित भिन्न को वैसे ही रहने देंगे और उचित भिन्नों में फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटा अंतर, फिर भाग देंगे। फिर अगर एक ही जैसा अंक दो जगह आ जाए तो दो वैल्यू तक का अंक लेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसका भिन्न भी सबसे बड़ा होगा और जिसका छोटा होगा उसका भिन्न भी सबसे छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए इसमें उचित भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है, ठीक है। अनुचित भिन्न कौन सा है? 16/15। क्यों? क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको भाग देंगे तो कितने से जाएगा? पूरा पूरा एक से जाएगा ना। अब देखिए बाकी सबसे ये क्या है? बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न तो हमारी यहीं से आ गई, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। 16/15 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब सबसे छोटा ढूंढते हैं। छोटा कैसे ढूंढेंगे? जैसे हमारा ये है तो क्या हमने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था, नीचे अंश तो हमारा वही रहेगा लेकिन हर बदल जाएगा। हर कैसे बदलेगा? दोनों का अंतर निकाल लेंगे और वही अंतर हमारा हर होगा, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, 27-19, 8। यहाँ पे क्या आएगा? 18/11। यहाँ पे क्या आएगा? 31/14। यहाँ पे क्या आएगा? 13/12, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब भाग देंगे। भाग देने पे क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा दो वैल्यू सेम सेम है, दो दो बार है और एक भी दो बार है। इसमें कैसे निकालेंगे सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, तो क्या करेंगे दो डिजिट तक का लेंगे। जैसे हमने इसको भाग दिया था तो कितना आएगा, तीन, फिर पॉइंट लगाया जीरो आया, फिर क्या करेंगे 24 आंतरिक 24, क्या करेंगे दो डिजिट तक हमारा आ गया ना 2.3। यहाँ ऐसे ही भाग करके कैसे आएगा 1.16, यहाँ पे कितना आएगा 2.2, यहाँ पे क्या आएगा 1.0। अब हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न तो हमें मिल गई थी, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है, ये है ना 1.0 सबसे छोटा है ना, तो इसी ये किसका वैल्यू है 13/25 का वैल्यू है। यही हमारा क्या होगा सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, यही हमारी क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक समय समय पे पहुंचता रहे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।